चलो बच्चों, क्लास क्लास में हमने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशन चैप्टर सबसे कठिन चैप्टर है लगभग, ये बात याद रखना, इसीलिए बहुत सोच समझ के चीजों को ध्यान देना। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये स्मॉल जी से इसे डिनोट करते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये सब बता चुका हूँ, इसकी वैल्यू क्या होती है ये भी बता चुका हूँ, ये सब चीजें पिछले क्लास में हो चुकी हैं, ठीक है कि नहीं। कोई किसी को डाउट है, किसी को इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ये सब सारी चीजें पिछले क्लास में हो चुकी है, किसकी क्या वैल्यू होती है, क्या चीजें होती है, ये सब पिछले क्लास में हो चुका है। आज की क्लास में हमें इसी के ऊपर इक्वेशन ऑफ मोशन करना है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। फिर अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो हम लोग थ्रस्ट को, प्रेशर को देखेंगे। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। इन तीनों को बोलते हैं क्या हम लोग, इक्वेशन ऑफ मोशन या गति के समीकरण, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें सबको पता है कि सब चीज क्या है, ठीक है ना। कल मैं लास्ट क्लास में ये बता चुका हूं, इसमें बस ध्यान क्या देना है कि जब आप किसी भी चीज को ऊपर फेंकेंगे तो ए की वैल्यू माइनस जी लीजिएगा, ठीक है। और जब किसी भी चीज को एक टावर वगैरह से ड्रॉप करेंगे, इसी फॉर्मूले को लगाएगा ए की वैल्यू प्लस जी जब लीजिए। और एक क्वेश्चन भी करा था क्या, 30 से हम फेंका ऊपर था। फेंक रहे हैं, जब हम ऊपर फेंक रहे हैं ग्रेविटी कहते नीचे पुल करती है, पर जब हम ऊपर फेंक रहे हैं तो वो नेगेटिव साइड में जा रहे हैं, जो हम नीचे गिरा रहे हैं तो वो पॉजिटिव साइड में जा रही है, क्योंकि हाँ उसकी स्पीड बढ़ ठीक, जाएगी। हाँ स्पीड घट रहा है इसलिए नेगेटिव, स्पीड बढ़ रहा है इसलिए पॉजिटिव, ठीक है। ये सबको लास्ट क्लास में बता चुके थे। इसके ऊपर 30 वाला एक न्यूमेरिकल भी किया था कि अगर किसी बॉल को 30 मीटर पर सेकंड से फेंकेंगे तो ऊपर जाने में कितना समय लगेगा, तो ये आपने कर लिया था। देखिए अपने नोटबुक में कितना समय लगा था, 3 सेकेंड। और मैक्सिमम हाइट कितना अटेन हुआ था, देखिए किया है कि नहीं, मैक्सिमम हाइट कितना अटेन हुआ था। हाँ तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, लास्ट क्लास में एक गेंद था बच्चों, लास्ट क्लास में एक गेंद था, इस गेंद को हमने 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर फेंका था। ये गेंद मैक्सिमम हाइट पे गई थी और हमने कैलकुलेशन किया था, तो ये जो मैक्सिमम हाइट था कितना निकल के आया था, 45 मीटर। और इसको कितना टाइम लगा था, ए से बी जाने में कितना टाइम लगा था, 45 मीटर। तो अभी मैंने कैलकुलेट करने के लिए शायद कहा था कि ये चेक करो कि बी से सी आने में कितना टाइम लगेगा, ये किए थे हम लोग लास्ट क्लास में, किए थे कि नहीं, नहीं किया था ना, ये अभी करो, समझ रहे हो कि नहीं बात। लास्ट क्लास में ये हमने निकाल दिया था कि इसको ए से बी जाने में, ए से बी जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड, ये हम निकाल चुके थे। कैसे निकाला था तो आप लोगों को पता है, क्या क्या गिवन था, यू गिवन है, ए गिवन है, और वी फाइनल क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे वी क्या होता है, जीरो। तो पहला इक्वेशन लगा दोगे क्या आ जाएगा, टाइम वी बराबर यू प्लस ए टी, वी की वैल्यू 0 हो गई, यू की वैल्यू 30 हो गई, ए की वैल्यू -10 हो गई, ठीक है ना। तो इसे टी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेकेंड, 3 सेकेंड। अच्छा हाँ, तो अब इसी में बेटा आपने डिस्टेंस भी निकाला था, तो डिस्टेंस कितना आया था, 45 मीटर। अब आप बी से लेके सी तक जब आ रहा है, इसका कैलकुलेशन आप लोग करके मुझे दिखाइए, ए से लेके बी तक। अब बी से सी पे गिर रहा है, ये बी क्या है, हाईएस्ट पॉइंट, तो जब बी से सी पे आएगा तो क्या होगा, ये चीज आप मुझे बताइए। चलिए टाइम ले लीजिए, आपको ये बताना है कि बी से सी आने में कितना टाइम लगेगा, क्या क्या बताना है आपको, याद रखिए कि बी से सी आने में कितना टाइम लगेगा, और जो नीचे गिरते समय फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, नीचे गिरते समय सी पॉइंट पे या वेलोसिटी एट सी क्या होगी, ऐसा सब, सी पॉइंट पे जब वो टकरा रहा होगा उस समय वेलोसिटी क्या होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें कैलकुलेशन, आपका समय शुरू होता है अब। कितने मिनट का टाइम दे, 3 मिनट बहुत काफी होगा,
3 मिनट के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के टाइम निकालिए। अच्छा बताओ, पीछे 45 आया था तो इस वाले के लिए भी S45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि सर जो नहीं हाइट होगा ये ऊपर, क्यों नहीं होगा? जो हाइट ये ऊपर गया था उतना हाइट तो नीचे सर, आएगा ना। इसको हाँ तो बिल्कुल होगा, जितना हाइट ये ऊपर गया था सेम हाइट इट विल कम डाउन। आप स्पीड पूछ रहे हो, हाँ नहीं, स्पीड का स्पीड। नीचे हो जाएगा। चलिए देखते हैं। काम करो अपना, ज्यादा दिमाग मत लगाओ इधर। T3 आ रहा है, सही है, आगे बढ़ो। बहुत सही है। बताओ इस केस में U की वैल्यू क्या होगी? इस केस में U की वैल्यू क्या होगी? तुम मत बोलो बेटा। यू कहाँ पे होगा? बी पे जो वेलोसिटी होगी उसे क्या मानेंगे? यू। तो आपकी बार यू की वैल्यू क्या है? जीरो। तो यू की वैल्यू बीसी के केस में क्या लिया जाएगा? जीरो। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया। ए का वैल्यू कितना होगा? प्लस 10, क्योंकि नीचे आ रहा है। और क्या पता है आपको एस का वैल्यू कितना है? 45। अरे जितना ऊपर गया उतना ही तो नीचे आएगा ना। बस टाइमर रोक देते हैं क्योंकि एक बच्चे का आंसर आ गया, बाकी लोग आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड। तो ठीक है, ए के एस इक्वल टू 45। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो। टाइम निकालना है ना पहले आपको, तो टाइम कैसे निकलेगा सोचो। कौन सा ऐसा इक्वेशन है जिसमें यू भी है, ए भी है, एस भी है और टी भी है? केवल सेकेंड है। दूसरा वाला क्वेश्चन लगा लो। एस बराबर कितना होगा? यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो यू की वैल्यू कितनी है? जीरो। तो जीरो इंटू टी करोगे खत्म काम। प्लस हाफ इंटू ए का वैल्यू कितना है? 10 इंटू टी का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू 45। तो बच्चों ये 2 से इसको कैंसिल कर दो, कितना आएगा? 5। तो यहां से होगा क्या? यहां से 5t² इज इक्वल्स टू 45। कैंसिल करोगे 9 टाइम्स कैंसिल होगा। T² इज इक्वल्स टू 9, इट मीन्स T इक्वल टू 3। T कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। T आ गया 3, V निकल जाएगा कि नहीं? इक्वेशन लगा लो। कौन सा? V निकालने के लिए इधर कर रहा हूं देखो। V निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन लगा लो? V इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू की वैल्यू कितनी है? 0। ए की वैल्यू कितनी है? 10। टी की वैल्यू कितनी है? 3। तो स्पीड कितना आएगा? 30 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों यहां से आपको एक बात समझ लेनी चाहिए, पहले नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए फिर बताते हैं। तुमने पहले वी निकाला था, तब भी सही है, कुछ भी निकालो पहले। पर तीसरा इक्वेशन निकाल के वी निकाल लो, फिर दूसरा पहला लगा के टी निकाल, कैसे भी करो बात। फिजिक्स वन कहता है जैसे मन करे वैसे करो, लेकिन सही करो। हो गया बेटा? ठीक है बेटा।
सुनो एक बात लिख लिया सबने, इधर ध्यान दो बेटा। एक बार बताओ, आपने गेंद को कितने से फेंका था? 30 से फेंका था ना, 30 से। तो फाइनली बॉल गिरी कितने से? 30 से। तो इसका मतलब जब आप किसी गेंद को ऊपर की तरफ फेंकते हैं या किसी भी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो जिस वेलोसिटी से आप फेंकेंगे, ये उसी वेलोसिटी से नीचे आपके हाथ में वापस गिरेगा। समझ आ रहा है? 30 से फेंका तो 30 से गिरेगा, 40 से फेंका तो 40 से गिरेगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपने 30 से फेंका, इसको ऊपर जाने में समय मान लीजिए 3 सेकंड लगा, तो नीचे आने में भी समय उतना ही लगेगा। ये हमेशा फिक्स बात। अगर किसी भी चीज को आपने ऊपर फेंका, इसको 5 सेकंड लगा ऊपर जाने में, तो इसका मतलब इसको 5 सेकंड नीचे आने में भी लगेगा। जितना समय ऊपर जाने में लगता है, उतना ही समय नीचे आने में लगता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए शॉर्टकट नहीं लगाना चाहिए। शॉर्टकट से आप जल्दी ऊपर चले जाते हैं, लेकिन जल्दी नीचे भी आते हैं। हार्डवर्क से आप धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, तो नीचे भी आने की बारी होती है, तो धीरे धीरे नीचे आते हैं। समझ आएंगे नहीं यार? तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है, उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। और जिस वेलोसिटी से आपने ऊपर की ओर फेंका है, उसी वेलोसिटी से वो नीचे की ओर आता है। तो नीचे फाइनली गिरता उसी वेलोसिटी से है आपने जिस वेलोसिटी से इसको फेंका है। इसी बात को नोट करके लिखो, नोट करके मैं लिखवा रहा हूँ, लिखो, नोट करके लिखो, नोट लिखो, नोट 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 लिखो बच्चों, फिर लिखो। इन केस ऑफ वर्टिकल प्रोजेक्शन, 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 द टाइम ऑफ असेंट, द टाइम ऑफ असेंट, इन केस ऑफ वर्टिकल प्रोजेक्शन, द टाइम ऑफ असेंट, ASCENT, इन केस ऑफ वर्टिकल प्रोजेक्शन, द टाइम ऑफ असेंट, ASCENT, इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट, इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट, डिसेंट इज इक्वल, असेंट मतलब ऊपर जाना और डिसेंट मतलब नीचे आना। इन केस ऑफ वर्टिकल प्रोजेक्शन, द टाइम ऑफ असेंट विल बी इक्वल टू द टाइम ऑफ, क्लियर है? इसी में दूसरा पॉइंट लिखो, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ असेंट, दूसरा पॉइंट लिखो इसी के अंदर, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ असेंट विल बी इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ असेंट, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ असेंट विल बी इक्वल टू द फाइनल वेलोसिटी ऑफ डिसेंट, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ असेंट विल बी इक्वल टू द फाइनल वेलोसिटी ऑफ डिसेंट, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ असेंट विल बी इक्वल टू द फाइनल वेलोसिटी ऑफ डिसेंट। क्लियर? मतलब ऊपर फेंके, असेंट मतलब ऊपर जाना, ऊपर जाते समय का प्रारंभिक वेग नीचे आते समय के अंतिम वेग के बराबर होता है। मतलब वेग मतलब वेलोसिटी, जितना शुरू में वेलोसिटी था उतना लास्ट में होगा। जितने टाइम के लिए ऊपर जाए, एक जीवन भर याद रखना, मरने वाले हो कोई पूछे तो बताना टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, इस तरह से याद रखना है इसको। समझ में आएंगे नहीं है? कि जितना समय ऊपर जाने में लगता है, उतना ही समय कितना लगता है नीचे आने में भी लगता है। और जिस वेलोसिटी से ऊपर फेंकोगे, उसी वेलोसिटी से सेम हाइट पे वापस आएगा। ठीक बच्चों, आइए अब क्वेश्चंस करते हैं। आप लोगों को बोला था क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आने का, नहीं किया तो आइए क्लास में करते हैं हम लोग फिर। देखो ए कार फॉल्स ऑफ, लिखो, एक ए कार फॉल्स ऑफ ए लेज, ए कार फॉल्स ऑफ, ए कार फॉल्स ऑफ, ए कार फॉल्स ऑफ ए लेज, ए कार फॉल्स ऑफ ए लेज एंड ड्रॉप्स ऑन द ग्राउंड, एंड ड्रॉप्स ऑन द ग्राउंड, एंड ड्रॉप्स ऑन द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड, इन 0.5 सेकेंड, ड्रॉप्स ऑन द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड, इन 0.5 सेकेंड, ठीक है, इन 0.5 सेकेंड। बच्चों इसमें आपको जी की वैल्यू को
लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जब तक आपको आप मोस्ट ऑफ द केसेस में 10 लेके कर सकते हैं, ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि आपको जी की वैल्यू इतनी लेनी है। अब क्वेश्चन क्या है, पहला, इसके क्वेश्चन के 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, स्ट्राइकिंग स्पीड ऑन ग्राउंड निकालना है, स्ट्राइकिंग स्पीड ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पे किस स्पीड से ये टकराया होगा। दूसरी बात, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5, ठीक है। तीसरा, हाउ हाई इज द लेज, इज द लेज फ्रॉम ग्राउंड, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम ग्राउंड, ये क्वेश्चन आपके पास, तीनों निकालिए। हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम ग्राउंड, अरे कुछ नहीं, एक ऐसे मान लो टुकड़ा किनारा, यहां से कार नीचे गिर गई, बताओ, कार अगर फॉल ऑफ हुई है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। अरे धीरे धीरे गिरी होगी ना, तो यू का मान कितना हो जाएगा, जीरो, और ए का मान कितना हो गया, जी, और टी का मान कितना हो गया, 0.5, तो स्पीड नहीं निकल जाएगा फाइनल जो से टकराएगी। पहला इक्वेशन लगा दो, उसे वी आ जाएगा, पहला इक्वेशन लगा के वी निकाल लो, उससे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक, सेकेंड पार्ट करो, एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, तो पहले हाइट निकाल लो, थर्ड पार्ट, पहले एस निकाल लो, पहले थर्ड पार्ट निकाल लो, ना आया।
नहीं हुआ। S/T कर दो, एवरेज स्पीड आ जाएगा। देखो बच्चों फटाफट, टाइम इतना नहीं। सार्थक तुम्हारा आया, क्या कर रहे हो तुम? हाँ रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो एक भी आंसर नहीं आया, तुम कुछ और कर रहे हो? मतलब इतना कठिन तो क्वेश्चन नहीं है ये, यहाँ सारे बच्चों का आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट के लिए क्या करोगे? वी इक्वल टू यू प्लस एटी, बताओ किसी को कोई डाउट हो तो। यू की वैल्यू 0 क्योंकि फॉल ऑफ हुआ है, धीरे से गिरा है। ए की वैल्यू कितनी है? 10। जी की वैल्यू कितनी है? 0.5। स्पीड कितना हो गया? 5 मीटर। ठीक है, दूसरा एवरेज स्पीड निकालने का है, आपने जो निकाला एस निकाल के भी कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला भी नोट कर लो, वी एवरेज इज इक्वल्स टू यू प्लस वी वाई टू, ये भी नोट कर लो। हाँ, एवरेज स्पीड का एक और फॉर्मूला होता है, वी इक्वल टू यू प्लस वी वाई टू, लेकिन ये तभी लगेगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, याद रखना, यानी जब एक्सेलरेशन की वैल्यू हो और वो चेंज ना हो रही हो। जैसे यहाँ एक्सेलरेशन कितना है? 10, और वो बदल नहीं रहा है, ये तभी वैलिड होगा फॉर्मूला। हर जगह मत लगा देना इसी को, हर जगह फॉर्मूला। हाँ, हर जगह फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो आपने अभी किया, ठीक है ना, वो है। लेकिन ये इस केस में ऐसा भी फॉर्मूला आता है, इसको कर सकते हो। U की वैल्यू कितनी है? 0। V की वैल्यू कितनी है? 5/2, तो ये कितना आएगा? 5/2, यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन याद रहे एवरेज वाला फॉर्मूला तभी यूज करोगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। इसको ऐसे सर्कल वर्कल बना लेना, इसको हाईलाइट कर लेना, जिससे तुम्हें रिवाइज में आ जाए, जब नोटबुक पढ़ो तो रिविजन में आ जाए। ठीक है ना, थर्ड पार्ट बच्चों, तीसरा एक क्वेश्चन लगा लो। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल्स टू यू कितना है? 0 इंटू टी 0.5 प्लस हाफ इंटू ए की वैल्यू 10 है, इंटू 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर, ये कैंसिल करोगे 5 आएगा, इसको करोगे तो ये आएगा 5 इंटू 0.25, और इसको सॉल्व करोगे आएगा 1.25 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द लेज, आया ना 1.25। बच्चों इससे भी एवरेज वेलोसिटी निकल जाता, जैसे बच्चों ने यहाँ निकाला है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एस बाई टी। वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एस बाई टी। एस कितना है? 1.25, और टी कितना है? 0.5। 0.5 को क्या लिख सकते हो? 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, कितना होगा? 2.5 मीटर पर सेकेंड। कैसे भी करो आंसर आएगा, समझ रहे हैं कि नहीं आया? ठीक है बच्चों, फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण में गिरने को ही क्या बोलते हैं हम लोग? फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब फॉलिंग इन प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री फॉल, मुक्त रूप से गिरना। ठीक है ना, फॉलिंग इन प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, मुक्त रूप से गिरना क्या कहलाता है? फ्री फॉल। ठीक है ना, ग्रेविटी के प्रेजेंस में गिरना क्या कहलाता है? फ्री फॉल। कर लोगे ना?
क्वेश्चन लिखो। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली। क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक ऑब्जेक्ट को सीधा ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ, एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। तो कैलकुलेट 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 करना है फर्स्ट द वेलोसिटी विद विच ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन। द वेलोसिटी विद विच, द वेलोसिटी विद विच ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन अपवर्ड, ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन अपवर्ड, थ्रोन अपवर्ड। ठीक है ना, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच इट्स मैक्स हाइट। सॉल्व करिए फटाफट इसको, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है इसको। केवल टाइमर 2 मिनट, 2.5 मिनट बहुत। ढाई मिनट टाइमर बस। फटाफट निपटाओ उसको। बेटा अप्लाई करो इक्वेशंस ऑफ मोशन। हर्ष क्या हुआ? सार्थक तुमसे आंसर चाहिए अब की बार मेरे को इसका। गया बताओ क्या आया। क्या आया
मैं बताऊं, बताओ सर तक। 14 मीटर पर सेकंड। जी की वैल्यू क्या लिया है तुमने? जी की वैल्यू फिर से चीटिंग, गधा कहीं का। उस तरह टीचर को चीटिंग पता चल जाता है। हाँ नहीं होता तो जी की वैल्यू क्या लिया? कैसे अभी तुम्हें जी बताने में इतना टाइम लग रहा है कि जी की वैल्यू क्या लिया है? सर, क्वेश्चन सॉल्व किया है, जी बिना लिए कर लिया है। अगर तुमने सॉल्व किया होता तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टेन सेकंड लगता। 10 लिया है। सर, 10 लेने पे आंसर क्या आ रहा है जी? बताओ, 14 10 आ रहा है लेने पे आंसर तो कुछ और आ रहा है। तुम्हारा आंसर 14 आ रहा है। पकड़े सर। जाओगे, चीटिंग वीटिंग मत किया करो यार। नहीं जिंदगी में कर चीटिंग चीटिंग खेलोगे क्या फायदा जिंदगी में होगा? तुमने कॉपी किया है कहीं से, इंटरनेट से, गधा कहीं का। रहा हूँ अरे मेरे ये सब तो बस अपने को पता चल जाता है यार। चीटिंग करोगे तुरंत ही टीचर को पता चल जाता है। पता है क्यों तुम्हें? क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे हो, सब्जेक्ट में उसका मास्टरी है। टीचर जानता है, जब मैं पूरी क्लास में 10 बता रहा हूँ कि जी की वैल्यू 10 लो, तुम्हारा आंसर 14 आया है। अब पता है मुझे कि 10 लोगे तो 14 आंसर आ ही नहीं सकता, ये तो मेरे को कंफर्म पता है। और तुम बोल रहे हो जी की वैल्यू 10 लिया और आंसर 14 लिया है, और जो बच्चा सॉल्व किया रहता है उसको इतना टाइम नहीं लगता ये बताने में कि जी की वैल्यू क्या है। ओवर स्मार्ट नहीं बनने का, तुरंत पता चल जाता है टीचर को। बताए थे ना अभी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम नीचे आने में लगता है। गधा कहीं का, जितना शॉर्टकट लेके आगे जाओ उतना तुम गर्त में जाओगे। जानता हूँ आपने इम्प्रूवमेंट पहले बिल्कुल भी तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल गलत बात है, एकदम पकड़े गए हो, कॉट रेड हैंडेड। आंसर बता रहे हो 14, जी की वैल्यू बता रहे हो 10, पॉसिबल ही नहीं है। इतना लंबा पॉज लेने के बाद भी जो आंसर बता रहे हो जी का, गलत बता रहे हो। डायरेक्ट तुमने आंसर देख लिया है कहीं से। तुरंत पता चल जाता है टीचर को, नंबर इसीलिए तुम्हारे अच्छे नहीं आ रहे हैं, क्लासेस में टाइम पास कर रहे हो। फादर का फोन आया तो बोले कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। यहाँ रहते तो कितनी बार तो पिट जाते अब तक। अब वही है कि ऑनलाइन का फायदा उठा लो, पिट नहीं सकते। तो तो ऑफलाइन आने आ जाए, आ जाए, ऑफलाइन आ जाए। ऑफलाइन आने पे अच्छे अच्छे देखो सब पिटते हैं इधर। देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन, इसका सोल्यूशन क्या होगा? तो पहले जो डेटा दिया दिया हो वो लिखा करो, ठीक है, तब तुम आगे बढ़ोगे। तो तुम्हें एस दिया है, एस इस केस में एच है ना, एच कितना है? 10 मीटर। अच्छा, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो ए क्या होगा? -10। जिनको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होता है पहले डेटा लिखा करें, -10। हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो वी क्या होगा? वी होगा 0। अब सोचो, अब देखो क्वेश्चन में निकालना क्या है। द वेलोसिटी विद विच ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन अपवर्ड, यानी आपको यू निकालना है। अरे यू ही तो होगा ना जिससे फेंका गया होगा, तो अब यू नहीं निकल जाएगा। अब सोचो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें एस भी है, ए भी है, ई भी है और यू भी है। एस भी है, वी भी है, यू भी है और ए भी है। कौन सा ऐसा फॉर्मूला है? थर्ड वाला। तो थर्ड वाला फॉर्मूला लगा दो, उसमें तीन चीज पता है एक चीज पता नहीं, तो क्या फॉर्मूला है? वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2ए एस। तो यहां से देखो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? वी स्क्वायर कितना है? वी 0। 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। यू स्क्वायर को छोड़ दो, इसी की वैल्यू तो निकालनी है, इसी वैल्यू निकालनी है ना, -2ae। तो +2 इंटू ए का वैल्यू कितना है? -10 इंटू एस, एस का वैल्यू कितना है? 10। ठीक है कि नहीं? डन, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से देखो यू स्क्वायर -u² इज इक्वल्स टू -200। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, तो u की वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट ऑफ 200।
कितना है क्यू के वैल्यू? अंडर रूट ऑफ 200। इसको लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, 2 × 10 × 10 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो पेयर बनेगा बाहर आ जाता है रूट के, तो इसका आंसर क्या लिख सकते हो, 10√2 m/s, 10√2 m/s, ये इसका आंसर है, 10√2 m/s। क्लियर? किसी कोई डाउट? नहीं। अब इसको देखो, तुम चाहो तो √2 की वैल्यू देख के सॉल्व करोगे तो 14 point something आएगा, ठीक है ना? लेकिन अभी हमें उधर करना नहीं है, डायरेक्ट देख लो। अब तुम्हें क्या निकालना है, टाइम टेकन। तो टाइम टेकन के लिए क्या करोगे, पहला दूसरा टाइम टेकन निकालो। तो टाइम टेकन के लिए देखो, सब कुछ अब पता चल चुका है, यू पता चल चुका है, ए पता चल चुका है, वी। तो पहला ही क्वेश्चन लगा लो, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू की वैल्यू, वी की वैल्यू पता है 0, यू की वैल्यू पता है 10√2, ए की वैल्यू पता है -10 t, ठीक है? 10√2 को इधर लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा, -10√2 इज इक्वल्स टू -10 t। 0 0 कैंसिल कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, टी बराबर कितना आ जाएगा, √2 s, यानी 1.4 s। √2 का वैल्यू 1.414 होता है, ठीक है? ये आंसर है। हर्ष, ठीक है, मैथ है बस, और 3 समीकरण है, उसको याद कर लो। लिख लिया ना? अपना नोटबुक क्यों बंद करें, बोलो। ये देखो, ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण क्यों नहीं खोल रहे? देखो, यही सवाल है जो अभी कराए हैं, ये वाला, ये दूसरा सवाल है जो अभी कराए हैं। देखो, नहीं, सेम सवाल हिंदी में लिखा हुआ है, फिर बोलता हूँ नोटबुक अपना खोला करो, ठीक है? अब हेडिंग डालो, थ्रस्ट। आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालो थ्रस्ट। इस तरह के न्यूमेरिकल आप लोग से हो जाना चाहिए, थ्रस्ट, ठीक है ना? थ्रस्ट हेडिंग डालो, थ्रस्ट। देखो, द फोर्स विच एक्ट परपेंडिकुलर, द फोर्स विच एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। द फोर्स विच एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। द फोर्स विच एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। सुनो बच्चों, जैसे मान लो कोई सरफेस है, ये मान लो नेल है, नेल का ऊपर वाला हिस्सा, नेल जानते हो ना, कील दीवार में जो, हाँ, तो इसमें ये ऊपर वाला उसका हिस्सा है, ठीक है? तो इस पे देखो, मैं अब मान लो हथौड़ा है ये, मान लो, तो मैं फोर्स इस पे ऐसे भी लगा सकता हूँ, ऐसे, और मैं फोर्स इस पे ऐसे भी लगा सकता हूँ, लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता हूँ? तो जब मैं इसको ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, तो ये फोर्स इसके एरिया के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? है कि नहीं? तो इसी फोर्स को क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोला, कि थ्रस्ट इज ए फोर्स, थ्रस्ट एक फोर्स है, बल है, जो कि एरिया के परपेंडिकुलर लगता है। समझ में आएगा कि नहीं? अगर ऐसे लगाओगे फोर्स, ये तो केवल फोर्स कहा जाएगा, ऐसे अगर टेढ़ा करके ऐसे लगाओगे फोर्स कहा जाएगा, ऐसे लगाओगे फोर्स, लेकिन ऐसे लगाओगे तो क्या बोलेंगे इसे, थ्रस्ट, ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं, थ्रस्ट और फोर्स में अंतर। एवरी थ्रस्ट इज ए फोर्स, बट एवरी फोर्स इज नॉट ए थ्रस्ट। समझ में आया? एवरी थ्रस्ट इज ए फोर्स, बट एवरी फोर्स इज नॉट ए थ्रस्ट। क्लियर बात समझ में आ रही है ना? हर फोर्स, हर थ्रस्ट फोर्स है। कैसे? अरे बेटा, ये थ्रस्ट लग रहा है तो ये भी तो फोर्स ही कहा जाएगा, फोर्स ही कहा जाएगा, लेकिन जब ये वाला फोर्स लग रहा है तो इसको आप थ्रस्ट नहीं कह सकते। एवरी फोर्स, एवरी थ्रस्ट इज ए फोर्स, बट एवरी फोर्स इज नॉट ए थ्रस्ट। द फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द एरिया इज थ्रस्ट। समझ आ रहा है? क्लियर है?
किसी को दिक्कत नहीं इसमें? थ्रस्ट की यूनिट क्या होगी? थ्रस्ट की यूनिट होगी न्यूटन, क्योंकि ये भी तो फोर्स ही है। इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन, क्योंकि ये भी फोर्स है। इसकी यूनिट होगी न्यूटन, क्योंकि ये भी एक फोर्स है। तो थ्रस्ट की यूनिट भी न्यूटन होगी, ठीक है। अब इसके बाद लिखो प्रेशर, क्या लिखो? प्रेशर, प्रेशर, ठीक है ना, प्रेशर। इसके बारे में लिखो प्रेशर, लिखो इट इज द थ्रस्ट पर यूनिट, इट इज द थ्रस्ट पर यूनिट सरफेस एरिया, इट इज द थ्रस्ट पर यूनिट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, इट इज द थ्रस्ट पर यूनिट सरफेस एरिया, या इट इज द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, ठीक है ना, दोनों बात ठीक है। एरिया, सोचो तो प्रेशर बराबर क्या होता है? थ्रस्ट अपॉन एरिया, क्या होता है? थ्रस्ट, थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया, प्रेशर बराबर क्या होता है? थ्रस्ट अपॉन एरिया, ठीक है ना। तो बच्चों देखो, अगर अभी आपने देखा नेल का एरिया बनाया था, उस पर थ्रस्ट लगा रहे थे, तो थ्रस्ट अपॉन एरिया ही क्या होता है? प्रेशर। अच्छा, एरिया कम रहता है तो प्रेशर ज्यादा होता है, पता ही नहीं है? एरिया कम, जैसे तलवार, जैसे चाकू, चाकू अगर ब्लंट हो जाए तो उससे सब्जी नहीं कटती है, मतलब उसकी धार कुंद हो जाए, उसकी धार खत्म हो जाए, ब्लंट हो जाए तो उससे सब्जी नहीं कटता है। लेकिन चाकू की धार जब तेज रहे तो उससे कोई चीज कट जाता है। क्यों कटता है? क्योंकि एरिया कम हो जाता है। एरिया कम हो जाने से प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कई सारा काम प्रेशर से हम लोग कर सकते हैं। किसी भी दीवार में आप कील अगर लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं? प्रेशर से लगाते हैं। देखते हो ना, उसका आगे वाला हिस्सा क्या रहता है? नुकीला। तो जो फोर्स लगा रहे हो कम एरिया में पड़ रहा है, तो प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, इसके कारण वो अंदर जाता जा रहा है दीवार, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बच्चों जितना एरिया कम होगा उतना ज्यादा प्रेशर क्या होगा? ज्यादा, ठीक। थ्रस्ट अपॉन एरिया, इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। थ्रस्ट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और एरिया की क्या होती है? मीटर में स्क्वायर। इसी की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को एक नाम भी दे देते हैं, पास्कल। क्या नाम दे देते हैं? पास्कल, और इसको पीए से दर्शाते हैं। इसी का नाम क्या देते हैं? पास्कल, और इसको क्या करते हैं? पीए से दर्शाते हैं। अगर आपसे बोले कि फोर्स प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है, तो ये दोनों ही प्रेशर के एसआई मात्रक हैं। ये दोनों ही प्रेशर के क्या है? एसआई यूनिट्स। ये दोनों ही बच्चों प्रेशर के एसआई यूनिट्स हैं। बोथ आर द एसआई यूनिट्स ऑफ द प्रेशर, दोनों प्रेशर के एसआई यूनिट्स हैं। क्लियर? चलो आज की क्लास इतनी रहने देते हैं बच्चों। लेकिन आप लोग आ जाओ, आ जाओ आप लोग, लेकिन जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्रेशर से पहले के हैं सारे कर लेने आपको, जाइए आप। क्लास 9 की क्लास ओवर, गुड इवनिंग। क्लास 11 की क्लास शुरू।